मेरी गेट माय हार्वेस्ट फैमिली यहाँ आई है अरबी के पत्तों की रेसिपी सीखने के लिए, और मेरी चटोरी चेतना फैमिली तो हमेशा ही तैयार रहती है नई नई रेसिपीज के लिए। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है, और इस वीडियो में मैं बनाना सिखाऊंगी अरबी के पत्तों का साग। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और बेल आइकन मत भूलिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अरबी के पत्तों को अच्छी तरह से धोकर इस तरह से पाइल बना रही हूँ। अगर आपने अरबी उगाई है या आप उसके साथ कुकिंग करते हैं तो आपको पता ही होगा कि इसके पत्तों पर पानी नहीं ठहरता, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है इस पौधे की ये। और इस तरह से रोल करके अब काटना है। एक बात याद रखना, अरबी के पौधे का कोई भी हिस्सा आप कच्चा नहीं खा सकते, पत्ते, स्टेम, ट्यूबर, कुछ भी नहीं। कई बार आदत होती है ना, काटते वक्त मुंह में कुछ डाल लिया, ऐसा बिल्कुल मत करना। स्टेम्स यानी डंडियों को भी इस तरह से बारीक काटना है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इनका। अच्छा, अगली वीडियो में शाउट आउट के लिए मुझे ये बताओ, एक साग है जो सर्दियों में बनता है, पंजाब में बहुत फेमस है, उसका नाम क्या है? तो ये हो गई है चॉपिंग अरबी के पत्तों की और स्टेम्स की। मेरा हमेशा से मानना है कि भगवान जी को ये पता है कि हमें किस मौसम में क्या चाहिए। नेचर जो है वो हमें सिग्नल्स देती रहती है, जैसे कि अरबी के पत्ते मानसून सीजन का सुपर फूड है, तो मानसून में ये बहुत हार्वेस्ट मिलता है अरबी के पत्तों का। और आपको तरह तरह की चीज़ें इससे बनानी है, ज़रूरी नहीं है फ्राइंग करनी है। जैसे ये साग है, ये बहुत हेल्दी है, बहुत लो फैट है। अब अगर फिर भी हम बरसात में ब्रोकली ढूंढेंगे तो वो कोल्ड स्टोर वाली मिलेगी, क्योंकि ब्रोकली इस मौसम में अच्छी तरह से उग ही नहीं सकती। इसीलिए भगवान ने ये बताया है हमें कि किस मौसम में। अभी जैसे पीछे जामुन आ रहे थे, फिर फालसे आते हैं, फालसे पता है ना, तो हर टाइम पे जो चीज़ फ्रेश उग रही है, फ्रेश मिल रही है, वही खाइए। अब कुकर के अंदर कटे हुए अरबी के पत्ते डाले हैं और स्टेम्स भी डाल देनी है। अगर आप इस तरह से बारीक नहीं काटना चाहते, थोड़ा बड़ा भी काट के डाल सकते हैं, क्योंकि बनानी इसकी प्योरी है हमने। अब डाली है मसूर की दाल, अच्छा फ्लेवर आता है दाल का इस साग के अंदर। आधी मिर्ची डाली है मैंने, क्योंकि हम मिर्ची कम खाते हैं, आपको ज़्यादा चाहिए तो डालिए। फिर डाला है पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रही क्योंकि पतला सा बनता है साग फिर। और कुकर का जो लिड लगा दिया है। अब जब तक अरबी का साग कुकर में पक रहा है, मैं काट रही हूँ प्याज, टमाटर, जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्ची। किसके लिए? तड़के के लिए। इसको तड़का भी तो लगाएंगे, तभी तो अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, बहुत से सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स भी मुझे ये बात कहते हैं कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। देखिए, जब आप खाना बना रहे हैं, सीधे खड़े रहने की बजाय आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस तरह से आइडियाज़ दे रही हूँ मैं आपको, जिससे कि आप फिट रह पाएँ। जब आप फिट रह पाएंगे तभी आप सभी काम कर पाएंगे, घर के भी या प्रोफेशनली भी। तो इस तरह की कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं, कीजिए। किचन की शेल्फ का सहारा लेकर ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। मैंने आपको वीडियो में 3 एक्सरसाइजेज दिखाई हैं जो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, इंटरनेट पर सर्च कीजिए ना। मुझे याद है बचपन में मुझे कुकर की विसल की आवाज़ से बहुत डर लगता था। जब थोड़ी थोड़ी आवाज़ आनी शुरू हो जाती तो मैं कहीं छुप जाती थी। और भी किसी के साथ ऐसा होता था? तो 2 विसल्स के बाद मैंने स्टीम को निकाल कर कुकर को लिया है खोल, और ऐसे दिख रहे हैं पत्ते और दाल। ज़्यादा पानी डालते तो साग पतला बनना था, फिर बहुत देर तक पकाना पड़ना था। देखिए, ज़रा सा पानी डाला था ना, तो इस तरह की कंसिस्टेंसी आई है। पिछले ट्यूसडे वाला वीडियो था ढाबा स्टाइल चिकन कीमा के बारे में, जिसे मैंने होम स्टाइल बना दिया था तेल और घी थोड़ा कम करके। उसमें मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब था कटहल बिरयानी। और कुछ नामों को शाउटआउट्स देना चाहती हूँ मैं। नूपुर अफ्रीका से, सिम्मी केरला से, अस्मिता महाराष्ट्र से, गुरप्रीत चंडीगढ़ से, किरण एमपी से, बहुत बहुत बधाई हो, आपने सही जवाब दिए। अब मैंने लिया है दही, और दही में डालना है थोड़ा सा बेसन। बहुत अच्छा टच आता है तड़के के अंदर इस तरह से जब आप मिक्स करके बनाएंगे ना। आपको याद होगा मैंने एक और रेसिपी की थी अमृतसरी पनीर भुर्जी की, लिंक ऊपर दे रही हूँ, उसमें भी ये मसाला यूज़ किया था इस तरह से, दही, बेसन और बाकी के पाउडर जो स्पाइसेस हैं वो। तो लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, गरम मसाला डाला है, नमक डाला है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और यकीन मानिए बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तड़के में जब आप इस तरह से करेंगे। अब हमारे अरबी और दाल जो हमने कुकर में पकाई थी वो ठंडी हो चुकी है थोड़ी सी, तो मैं ब्लेंडर की मदद से, एक हैंड ब्लेंडर की मदद से इसे ब्लेंड कर रही हूँ।
आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी डाल सकते हैं। देखिए अभी भी थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है, पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई। चलो जी अब तड़का लगाएं। गरम तेल है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, उसके बाद उसमें हरी मिर्ची है बारीक, जिंजर गार्लिक और प्याज डाला है। आप चाहें तो घी में भी पका सकते हैं ये, हम सरसों के साग का अक्सर जो तड़का है वो घी में बनाते हैं, सर्दियाँ होती हैं ज़्यादा मन करता है तब घी खाने का। अब ये 1 से 1.5 मिनट में जब ये चीज़ें पक जाएंगी उसके बाद इसमें डालने हैं बारीक कटे हुए टमाटर। आप चाहें तो टमाटर स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसके तड़के में टमाटर को डालना। मुझे गली में फिर से आजकल आवाज़ें सुन रही थी, है कोई मायका लाल जो खरीदे टमाटर लाल, क्योंकि रेट ही इतने ज़्यादा है। वैसे मैं खुद से उगा रही हूँ इसलिए मैं खाने में डाल भी रही हूँ। अब वो जो दही बेसन मसालों वाला मिक्सचर बनाया था ना वो डाल दिया है। जब टमाटर थोड़े पक जाएंगे और अब इसे भी अच्छी तरह से इसके अंदर सौटे कीजिए, पकाइए। अब इस स्टेज में आप तड़के से अपनी नज़र नहीं हटा सकते हैं, मल्टीटास्किंग छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको चलाते रहना क्योंकि ये जो बेसन दही वाला मिक्सचर है ना नीचे थोड़ा स्टिक करता है। अब जब वो पक जाए तो फिर उसमें डाला है साग जो हमने प्योरी किया था, साग के साथ उतर भी जाता है जब आप धीरे से चलाएंगे ना तो उतर जाएगा, ये नॉन स्टिक नहीं है ना, स्टेनलेस स्टील है तो थोड़ा बहुत तो स्टिकिंग होती ही है। फिर नमक डाला है। अच्छा आजकल तो आलू है सबका फेवरेट, बच्चों का भी। आलू के पॉपुलर होने से पहले अरबी जो है, अरबी का ट्यूबर, वो बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता था और उसमें पौष्टिक गुण भी ज़्यादा हैं आलू से। अरबी के पत्तों में विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, अरबी के पत्तों में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं, शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं और भी बहुत से फ़ायदे हैं। इंटरनेट पे इस बारे में रिसर्च करके देखना। और अगले हफ्ते के वीडियो में शाउट आउट के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अरबी या अरबी का अंग्रेज़ी नाम क्या है। दो नाम तो मुझे भी पता है अंग्रेज़ी में है, दोनों में से कुछ भी लिख दो, अपना नाम और शहर ज़रूर लिखना साथ में, तभी शाउट आउट दे पाऊँगी ना मैं। अब आ गई है बारी मेरे तड़कू की। छोटे से पैन का नाम मैंने तड़कू रखा है, इसके अंदर जीरा जा रहा है। ये छोटा सा सिंपल सा तड़का है लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सूखी लाल मिर्ची है, घर की मिर्ची है, ज़्यादा तीखी भी नहीं है, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने घर के टेस्ट के अकॉर्डिंगली। उसके बाद इसमें डाली है मैंने हींग, बस और कुछ नहीं डालना। बहुत सिंपल 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको डालने हैं और अच्छी तरह से क्रैकल कर जाए, जब पक जाए उसको साग के ऊपर इस तरह से डाल दीजिए, बहुत अच्छी सी सैटिस्फाइंग सी फीलिंग आएगी। तो ये अरबी के पत्तों के साग वाला वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो फॉरवर्ड कीजिए। जाते जाते यही कहना चाहती हूँ, गुड हेल्थ इज द रियल वेल्थ। अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, वक्त निकालिए खुद के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, तभी आप बाकी सबका भी ध्यान रख पाएंगे। मैं आपसे मिलूंगी अगले ट्यूसडे, तब तक के लिए बाय बाय।